रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज हम बात करेंगे फीमेल ने फील्ड वर्क कैसे करना है। काफ़ी फीमेल जिन्होंने अप्लाई किया है वो मॉनिटर्स है की जॉब है या लिटरेसी मोबिलाइजर की है या डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की, वो परेशान हैं कि फीमेल्स फील्ड वर्क कैसे करेंगी। देखिए, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं फील्ड कैसे करती हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर हैं मोटरवे पुलिस में, तो वो ज़्यादातर नाइट ड्यूटी करते हैं या सेकंड ड्यूटी करते हैं। उन्होंने मुझे फील्ड वर्क करवा के घर छोड़ के फिर अपनी ड्यूटी पे जाना है। अगर नाइट ड्यूटी की है, आके नाश्ता करके थोड़ा सो जाएंगे, देन उसके बाद उठ के 9 बजे के राउंड अबाउट मुझे विजिट पे ले जाएंगे और फील्ड वर्क करवा के घर लेके आके हम 1:30 बजे वापस आएँ, 2 बजे आएँ या ज़्यादा टाइम हो जाए, फिर आके वो छोटे मोटे काम करके अगेन वो सो जाते हैं। ठीक है, उठ के फिर वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। ये रूटीन जो है वो उनकी है। टू मच डिफ़िकल्ट, लेकिन इस तरह मैं बड़ी आसानी से फील्ड में चली जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मेरा अकेला जाना मुमकिन नहीं है, और काफ़ी सारे स्कूल हमारे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मैं ख़ुद से मूव कर लेती हूँ, स्टॉप पे हैं। ठीक है, और बाज़ुकात मैं क्लस्टर ऐसी जगह पे बनाती हूँ जहाँ पे मैं ख़ुद से जा सकती हूँ ट्रेनिंग के लिए, क्लस्टर जो बनाना होता है, फिर ईज़िली मैं मूव कर लेती हूँ वहाँ पे, फिर उनको परेशानी नहीं होती। और जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी का ऑफिस क्लस्टर बना लिया, या फिर ई लाइब्रेरी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसको बना लिया, इस तरह करके क्लस्टर बना के तो वहाँ पे मैं मूव कर लेती हूँ, ठीक हो गया। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे फीमेल वाकया ही अकेली भी नहीं जा सकती और किसी गाड़ी में भी उनका जाना मुश्किल है, बाइक के जाने की जगह होती है। बाज़ुकात तो ऐसे भी एक्सपीरियंस यकीन करे हुए हैं कि गाड़ी जाने की भी जगह नहीं थी वहाँ पे। एक दफ़ा हम विज़िट पे गए तो स्कूल जाने का रास्ता ही नहीं था, पानी ही पानी था, तो मेरे हस्बैंड ने पानी के अंदर से मुझे उतार दिया, पानी के अंदर से मोटरसाइकिल लेके गए, दूसरी साइड पे खड़ा करके आए, देन उन्होंने आके मेरी फाइल पकड़ी और मुझे उठा के वो पार करवाया पानी। तो जब ये बात हुई ऑफिस में, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी को बताया, तो वो कहते मैडम एक सेल्फ़ी हो जानी चाहिए थी उस टाइम पे। मैंने कहा अगर मैं सेल्फ़ी बनाती तो मेरे हस्बैंड मुझे पानी में फेंक देते, देख लो भाई इधर ही बैठ के सेल्फियाँ बना हुआ बाप। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉपरेट करते हैं मेरे साथ, और मैं ये फील्ड वर्क की जॉब कर सकी हूँ। ये तो है कि मैरिड फीमेल है तो वो कैसे करेगी। ठीक है, जो अनमैरिड फीमेल है वो अपने भाई के साथ जा सकती हैं, फादर के साथ जा सकती हैं, अगर उनका कोई थोड़ा टाइम है तो मैनेज करके कुछ दिन ऐसी जगह पे अपनी विज़िट कर ले या क्लस्टर बना ले अगर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर हैं तो, जहाँ पे वो खुद आसानी से जा सकती हैं अगर कोई भी फ्री नहीं है तो। ठीक है, बंदा बहुत ही ज़्यादा किस दिन होता है तो कैजुअल लीव ले ले, कहीं भी नहीं जा सकता तो। ठीक है, कोई ना कोई सबब पैदा हो जाता है। बताने का मकसद इन डिटेल आपको ये है कि कोई ना कोई सबब जो है वो पैदा हो जाता है विज़िट करने का, किसी ना किसी तरह आप चले जाते हो। ठीक है, और इस परेशानी को छोड़ के आप पेपर की तैयारी करें और बहुत अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी करें। ठीक है, अल्लाह ने बेहतर सोचा होता है हमारे लिए कि क्या करना है, हम पहले ही खामखा फ्यूचर के लिए परेशान होते रहते हैं। बाकी आपको ना तो लिटरेसी मोबिलाइजर का मॉडल पेपर या पास पेपर मिलेगा, ना डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का मिलेगा और ना ही मॉनिटर्स और एग्जामिनर और लिटरेसी कोऑर्डिनेटर का मिलेगा। ठीक है, हाँ गेस्ट पेपर मिल सकते हैं, पास पेपर नहीं या मॉडल पेपर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी मॉनिटर की आपने जॉब की नेचर पूछी है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की पहले भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताई है कि उन्होंने क्या काम करना है, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, जो लिटरेसी के टीचर हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, किस तरह क्लस्टर बनाने हैं, कैसे ट्रेनिंग देनी है, वो मैंने पहले भी डिटेल से डिस्कस किया है। और बाकी फील्ड वर्क करना है कैसे करना है वो भी आपको बताया हुआ है। इसके अलावा और आपने क्या पूछा था, मेरे ख्याल में इतनी ही बातें थी।
और मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी और बताऊँगी। आप परेशानी को छोड़ें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।